The best villain of the Tiger 3. Unbelievable. Out of 10, 7.5. Movie must watch hai ye. Sabhi ko dekhni chahiye. Main 5 mein se 5 star deta hu. वन टाइम वॉच थी और मगर शाहरुख खान और ऋतिक रोशन का रोल बहुत सही था उसमें, कि जैसे जो एंडिंग में ऋतिक रोशन आया है, और स्पॉइलर नहीं दूंगा, मगर हाँ बीच में जब शाहरुख खान आता है तो वो बहुत गूज़बम्स करने वाला जो सीन है। बाकी वन टाइम वॉच मूवी है, एक्शन बहुत है, बट शुमाइल मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी है। मूवी है, इसमें एक्शन वगैरह बहुत अच्छा है, सलमान खान की एक्टिंग बहुत अच्छी है, कैटरीना कैफ वगैरह ने एक्शन बहुत अच्छा करा है। मूवी मस्ट वॉच है, ये सभी को देखनी चाहिए। मैं 5 में से 5 स्टार देता हूँ उसको। आज पहला शो आपने देखा है, दीपावली भी है। हाँ हाँ, तो दीपावली के हिसाब से बहुत ही बढ़िया जाएंगी मूवी है, और मुझे लगता है कि सबको देखना चाहिए मूवी। पैसा वसूल है, बहुत अच्छी फिल्म है। सर क्या सलमान और केमिस्ट्री कैसी लगी? दोनों सेम वही टाइगर 1-2 थर्ड की सेम केमिस्ट्री, इज वेरी गुड फॉर द मूवी। म्यूजिक के बारे में क्या कहेंगे सर? यू आर लुकिंग द स्टोरी एक्चुअली, द बेसिक स्टोरी ऑफ इट टाइगर 3, यू नॉट लुकिंग द म्यूजिक एक्चुअली, द बेसिक ऑफ द स्टोरी ऑफ इट। इमरान हाशमी की एक्टिंग कैसी लगी? द बेस्ट विलन ऑफ द टाइगर 3 आई सॉ राइट नाउ। ओवरऑल शाहरुख खान की एंट्री भी है रिसेंटली सर, वो बहुत स्पेशल टाइम पे आता है, पठान, दैट इज कॉल्ड पठान शाहरुख खान, बहुत वही सबसे स्पेशल है। दैट्स आप पहले भी देख चुके पठान में जैसे एंट्री होती है सलमान की, सेम वैसे एंट्री इसमें भी है, लेकिन शाहरुख खान के टाइगर 3 में। सर वो पूरी फिल्म कम्प्लीटली रॉक है, आप दिवाली जाइए, यू जस्ट देखिए, जाइए मूवी, आपकी दिवाली बैच बन जाएगी, बहुत अच्छी फिल्म है, एक नंबर मूवी। सलमान खान टॉप मूवी बनाता है, टाइगर है उसका नाम, टाइगर है, टाइगर उसका नाम है सर, की खुश नहीं है, 3 मूवी बना दिया टाइगर के नाम पे उसने। कैसी लगी सर? कैसी लगी? क्या कहना है टाइगर 3? अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। सलमान और कैटरीना की एक्टिंग कैसी लगी? कैटरीना तो है अच्छी, वो तो उन लोगों का बॉन्डिंग अच्छा ही है, बहुत अच्छा ही है। म्यूजिक के बारे में क्या कहेंगे? हां म्यूजिक बीजीएम बहुत अच्छा था, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा था। और सर कितने स्टार देंगे सर? 5 out of 5। आफ्टर लॉन्ग टाइम सलमान खान की इतनी अच्छी मूवी देखने मिली। अच्छी थी एज यूजुअल, वही थी, इतना कुछ चेंज नहीं था, बट इट वॉज ग्रेट मूवी, फुल ऑन एक्शन पैक्ड। एक्शन वॉज ग्रेट, बट थोड़ी बहुत डिल्यूजनल थी, थोड़ा बहुत था डिल्यूजनल था, मतलब ऐसा दिख रहा है कि फेक है। शाहरुख खान की भी, शाहरुख खान का तो कैमियो बेस्ट था, जैसा सलमान खान का पठान में था, ऋतिक का तो फुल मार्वल वाली एंडिंग दी है। आउट ऑफ 10 7.5। केमिस्ट्री वो दोनों की बहुत अच्छी थी, और SRK की एंट्री के बाद काफ़ी ज़्यादा, मतलब मूवी पिकअप की, इंटरवल के बाद की मूवी ज़्यादा अच्छी थी। या इट वॉज रियली गुड, काफ़ी अच्छा था, VFX भी अच्छा था। म्यूजिक के बारे में क्या कहेंगे? म्यूजिक वॉज ओके, एक्शन का ज़्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू म्यूजिक। 5 on 5। अरे बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी ऑन सीन केमिस्ट्री। शाहरुख खान की एंट्री, अरे सेक्सी। और ऋतिक की भी एंट्री है, क्या कहेंगे? हाँ हाँ, सलमान खान फैन, सलमान खान फैन है, सलमान की मस्त है।